अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी एंड माय वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए कतर प्रोडक्शंस के ड्रामा उमर सीरीज की किस्त नंबर 10 का उर्दू तर्जुमे के साथ ओवरव्यू लेकर आई हूँ। ड्रामे की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, शुक्रिया। किस्त नंबर 10 का आगाज अबू उमामा से होता है, जो असहाबा को कहते हैं कि ये जो शख्स इधर आ रहा है वो अपने कबीले का सरदार है, अगर ये इस्लाम कबूल करे तो सारे इसी की पैरवी करेंगे। वो उसे खुशामदीद कहता है और पूछता है कि हमने देखा है कि तुम हमसे दूर खड़े थे, क्या तुम हमारे नजदीक आकर सुनना नहीं चाहते थे? जिस पर सरदार जवाब देता है कि खुदा की कसम, अगर तुम रिश्तेदार ना होते तो इसकी जुर्रत ना करते, क्या तुम हमारे इलाके में वो कर रहे हो जो हमें नापसंद है? जिस पर सहाबी उन्हें जवाब देते हैं कि क्या तुम हमारे पास बैठकर वो सुनना नहीं चाहते जो हमारे पास है? अगर तुम इसे अपनाना चाहोगे तो अपना लेना, वरना हम तुमको बाज रखेंगे जो तुम्हें नापसंद है। ये कहकर सहाबी सरदार को दीन की तालीम देता है। मदीने से एक वफ्त हज की अदायगी के लिए आया होता है। उसी वफ्त में वही सरदार भी मौजूद होता है जिसको सहाबी दीन की तालीम देते हैं। इस मंजर में जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके होते हैं सब अपने खैमों से बाहर निकलते हैं ताकि मक्के के बाहर मोहम्मद से मुलाकात कर सकें और बैत ले सकें। एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या वो अभी तक नहीं आए, क्या उन्हें देर हो गई? इतने में उनकी नजर मोहम्मद पर पड़ती है और वो कहते हैं कि वो रहे मोहम्मद, वो आ गए। एक शख्स पूछता है कि उनके साथ कौन आ रहा है। अब उमामा जवाब देते हैं कि ये उनके चचा अब्बास इब्ने मुत्तलिब हैं। हजरत अब्बास औस और खिजरज के लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं कि खुदा की कसम, मेरा भतीजा हाशिम कबीले में अपने लोगों के साथ महफूज है, लेकिन उसने तुम्हें चुना कि वो और उसके सहाबा तुम्हारी तरफ हिजरत करेंगे। अगर तुम लोग यकीन दिलाते हो कि तुम उनकी हिफाजत उसी तरह करोगे जिस तरह खुद की हिफाजत करते हो तो फिर वो आएंगे, और अगर तुम यही इरादा रखते हो तो आओ और बैत कर लो, वरना हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं। ये सब सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। अगले मंजर में वो तमाम लोग हिजरत कर रहे होते हैं मदीने की तरफ जिस तरह से उनको हुक्म दिया गया। अबू अल हकम मजलिस पे मौजूद लोगों से खिताब करता है और कहता है ये हिजरत भी हबशा की हिजरत की तरह है। मोहम्मद के सहाबा एक बड़े शहर की तरफ हिजरत कर रहे हैं जो हमसे कुछ दिन के फासले पर है। वो एक बड़े अरब के मुआशरे के साथ मिल रहे हैं जो हमेशा से कुरैश के दर्जे की ख्वाहिश रखते हैं, ये अपने आप को तुम्हारे बराबर समझते हैं। अबू अल हकम कहता है ये लोग यमनी अरब से हैं जबकि तुम मदर अरब से, उन्होंने अपने अंदरूनी तनाजात की वजह से हमें कोई तकलीफ ना दी, लेकिन अब वो मोहम्मद पर यकीन रखते हैं और मुत्तहिद हैं। अल्लाह की कसम वो लोग बहादुर और अच्छे सिपाही हैं। हमें अब ये मालूम है कि मोहम्मद ने अपने तमाम सहाबा को हिजरत करने का हुक्म दिया है लेकिन खुद अभी नहीं गए। हम क्या करेंगे जब वो यसरब में होंगे और मोहम्मद उनके साथ शामिल होंगे और वो सब लोग उनकी सरदारी के नीचे होंगे? और क्या होगा जब औस और खिजरत तुमसे लड़ाई करने आएंगे तुम्हारी अपनी ही औलादों के साथ? अगर हम बाकी मदर कबीले को मदद की दरख्वास्त करेंगे तो वो फिर कहेंगे कि हमारे अपने लोग उनके साथ हैं और मोहम्मद के ईमान तले मुत्तहिद हैं। ये सब सुनने के बाद अबू यजीद कहता है कि मत भूलो कि तुम्हारे तिजारती काफले शाम यसरब के करीब से होकर गुजरते हैं, वो महफूज ना होंगे। अबू सुफयान कहता है कि मक्के की आबादी का कुछ हिस्सा वीरान भी है जो कारोबारी नुकसान की निशानदेही करता है, हम यसरब की रिवायात को भी खो देंगे। और हम सब जानते हैं कि यसरब के लोग किसान हैं, ताजिर नहीं, वो सामान तुमसे खरीदते हैं। क्या तुम ये सोचते हो कि वो अब हमारे मजहब से मुख्तलिफ हैं, हमारे मुखालिफ हैं? क्या वो आएंगे मुख्तलिफ मौसमों में तुमसे चीजें खरीदने? और जो लोग यहाँ से गए हैं वो तो किसान नहीं, वो तो इसी तरह से कारोबार करना शुरू कर देंगे जिस तरह हम करते हैं, इस तरह इन्हें हमारी जरूरत ना रहेगी और ना ही उन रास्तों की। अबू अल वलीद कहता है तुम लोग ये खुद को क्यों नहीं कहते कि कौन इस अंजाम तक लाया है? मैंने तुम लोगों को अच्छा मशवरा दिया था, तब मैंने कहा था कि मोहम्मद को उसका पैगाम पूरे अरब में पहुंचाने दो, अगर वो उसे कत्ल कर देते हैं तो तुम लोगों को इस मसले से निजात मिल जाएगी, और अगर वो जीत जाता है तो तुम लोग भी उसके जलाल की खुशी मनाना। तुम लोगों ने मेरी नसीहत लेने से इनकार कर दिया था। अबू अल हकम कहता है कि हाँ हमने किया, हम मोहम्मद और उसके साथियों को हिजरत नहीं करने देंगे, चाहे इस दफा हमें अपने हाथों को ही क्यों ना उठाना पड़े, हमें अपने घर के लोगों से ही शुरू करना होगा। जो कोई वाकई में चला गया उसने हमें उसके घर, माल, जमीन वगैरह पर कब्जा करने की इजाजत दे दी है। इस मंजर में अबू यजीद अपने दोनों बेटों को पकड़कर एक कमरे में हथकड़ियां लगाकर बंद कर
कर देता है और कहता है, क्या तुमने सोचा कि मैं तुम दोनों को हिजरत करने दूंगा? मैं यहाँ पर अपने बेटों के साथ मस्ती करने के लिए नहीं खड़ा। अगर अबू जंदल मेरे साथ खड़ा होता तो मैं तुम्हें भूल भी जाता, मगर तुमने इसका भी दिमाग खराब कर दिया। जिस पर अबू जंदल कहता है कि सारी ताकतें खुदा के हाथ में हैं। अबू यजीद कहता है कि अब दोनों मेरे साथ हो, हिफाजत और अमन से लुत्फ अंदोज रहो, हम नहीं जानते इन सब का क्या अंजाम होगा। अब्दुल्ला कहता है कि हमारे पांव जकड़े हुए हैं क्योंकि हम हक पर हैं, लेकिन आपके पांव कुफर के पीछे चल रहे हैं। अबू यजीद कहता है कि तुमने तो कहा था कि खुदा और तुम्हारे दरमियान कोई भी रुकावट नहीं, तो फिर तुम्हारी आजादी और कैद होने में क्या फर्क है? अबू जंदल दोबारा कहता है कि सारी ताकतें सिर्फ खुदा के हाथ में हैं। अबू यजीद उसके पास आता है और कहता है कि बस यही कहना था या कुछ और? अबू जंदल कहता है, मैं डरता हूँ कि अगर मैंने दुआ की तो वो तुम्हारे खिलाफ ना हो, और एक मजलूम की दुआ सीधा खुदा के पास पहुँचती है। अबू यजीद कहता है, तो फिर तुम दुआ करते रहो। ये कहकर वो चला जाता है। अबू जंदल अब्दुल्ला को कहता है कि हम दोबारा इस हालत में आ गए। अब्दुल्ला कहता है, मैं खुदा से अपने बाप के खिलाफ शिकायत करता हूँ और उसके खिलाफ अल्लाह की मदद मांगता हूँ। अबू जंदल कहता है कि उनके हक में दुआ मांगो, ना कि उनके खिलाफ। अब्दुल्ला कहता है कि हाय, मैंने कैसे अपने बाप को खुद पर हावी होने दिया। इस मंजर में याश हजरत उमर के घर आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने हिजरत करने के लिए जहन बना लिया? हजरत उमर कहते हैं कि हाँ। तो याश कहता है, तो हम दो साथी तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन हम दिन में नहीं रात में सफर करेंगे। खास तौर पर मेरे भाई अबू अल हकम को पता नहीं चलना चाहिए, हमें एक जगह मिलने के लिए मुत्तफिक होना होगा। हजरत उमर पूछते हैं, तो तुम्हारे भाई सलामा का क्या? अय्याश कहता है, हमने सोचा है कि ये बेहतर होगा कि वो हमारे लिए यहीं पर छुपा रहे। इस तरह अबू अल हकम को पता नहीं चलेगा और जब उसको यकीन आ जाएगा तो वो खुदा की मदद से आ जाएगा। उमर कहते हैं, तो फिर वादी के नीचे बनी अफार में मिलेंगे। अय्याश इंशाल्लाह कहकर चला जाता है। हजरत उमर खाना काबा के सामने नमाज अदा कर रहे होते हैं और वहाँ मौजूद लोग इन्हें देख रहे होते हैं। नमाज पढ़ने के बाद उमर सबको मुखातिब होकर कहते हैं, मैं तुम सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं हिजरत करने जा रहा हूँ। तुम में से कोई भी अपनी माँ, बच्चों और बीवियों को सोगवार छोड़कर जाना चाहता है तो मुझसे वादी के पीछे मिलो। ये कहकर उमर चले जाते हैं। फिर उमर, अय्याश और बहुत से लोग ऊँटों पर बैठ कर हिजरत करते हैं। इस मंजर में अबू अल हकम सलामा को कैद करके पूछता है कि खुदा की कसम तुम जानते हो, लेकिन तुम उन्हें छुपा रहे हो और उसके बाद तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओगे। मैं तुम्हें खुश करता हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हें सलामा की खबर दूंगा ताकि तुम दोनों एक ही जगह पर हो जाओ जैसा कि अभी तुम हो। अबू अल हकम ऊंट पर सवार होकर अय्याश की तलाश में निकलता है और अय्याश और उमर से कबा में आमना सामना हो जाता है। वो अय्याश को आवाज देता है। अय्याश कहता है, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा? तुम्हारी यहाँ हुक्मरानी नहीं, इसलिए बेहतर है कि चले जाओ। अबू अल हकम अय्याश को कहता है, हाय तुम पर, वहाँ तुम्हारी माँ है। खुदा की कसम, हम उसी के लिए यहाँ आए हैं। हम इसे बहुत बुरी हालत में छोड़कर आए हैं। वो तुम्हारी हिजरत की वजह से बहुत रंजीदा हैं। उसने कसम खाई है कि वो अपने बालों में कंघी नहीं करेंगी, ना ही धूप से बचने के लिए छांव में बैठेंगी, जब तक कि तुम्हें देख ना लें। अय्याश परेशान होता है, क्या वाकई में उन्होंने ऐसा कहा? अबू अल हकम, खुदा की कसम, उन्होंने ऐसा ही कहा। उमर अय्याश को कहते हैं कि हाय तुम पर, तुम ऐसे नजर आ रहे हो जैसे तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। ये यहाँ से तुम्हें लेकर जाना चाहता है ताकि तुम्हें तुम्हारे ईमान से हटा सके। अबू अल हकम उमर को कहते हैं कि उमर तुम कितने बेअदब हो, दो भाइयों के बीच में बोल रहे हो। अय्याश फौरन कहता है, ये तुमसे ज्यादा मेरा भाई है। अबू अल हकम अय्याश से कहता है, हमें इस बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए, तुमने वो सुना जो मैंने तुम्हें कहा? अय्याश उमर को एक तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। मेरी माँ मुझे हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करती है। मैं जाऊँगा तो उनकी कसम पूरी हो जाएगी और फिर मैं अपनी दौलत भी साथ वापस ले आऊंगा। उमर कहते हैं, अगर तुम दौलत की बात कर रहे हो तो मेरी आधी दौलत ले लो, लेकिन उसके साथ मत जाओ। अय्याश कहता है, मैं जाऊंगा, मुझे खुदा पर भरोसा है। उमर कहते हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी ऊँटनी ले जाओ, वो बहुत बेहतर है, उसके ऊपर बैठो और अगर तुमको कुछ अजीब महसूस हो तो फरार हो जाना। वो दोनों गले मिलते हैं और अय्याश अबू अल हकम के साथ चला जाता है। अबू अल हकम अय्याश को लेकर मक्के आता है और उसे अपने भाई सलामा के साथ कैद कर लेता है और सलामा को कहता है, क्या मैंने तुमसे जो वादा किया वो पूरा किया? अब मैं तुम दोनों को एक ही जगह पर रखूंगा, तुम दोनों एक दूसरे के करीब रहो। और ये कहकर अबू अल हकम वहां से चला जाता है। अय्याश सोचता है कि उमर तुम कितने समझदार हो और मैं कितना बेवकूफ कि मैं अब किस हालत में हूँ। इसी के साथ इस किस्त का इख्तिताम होता है। आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली किस्त तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।